असलम स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में हमारे पास पेपर है जीसी एप्लीकेटेड कॉलेज का पेपर हमारे पास बी एस सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने जो अभी एग्जाम्स दिए हैं 2022 के वो वाला हमारे पास पेपर है जिसके हम एम सी क्यूज डिस्कस करेंगे पेपर हमारे पास मैथमेटिकल मैथड का पेपर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम uh, सी क्यूज़ हैं इस पेपर के जो कि आज की वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इस टाइप के एम सी क्यूज़ को डिस्कस किया जाए क्योंकि ये एम सी क्यूज़ जो है वो एम एस सी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी जब नेक्स्ट uh, जो आपका सेमेस्टर आएगा न्यू अपकमिंग स्टूडेंट्स का तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है तो आपने क्या करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त किया करें तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और हमारे पास फर्स्ट एम सी क्यूज है फर्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज है एक्स इक्ल है टू के इस द इक्वेशन इस इक्वेशन का जो एक्स इक्स टू वाला पॉइंट है यानी कि यहाँ से हम एक पॉइंट निकालते हैं इस इक्वेशन में से जो कि एक्स इक्वल टू टू है ये पॉइंट जो है वो क्या होगा ये रेगुलर होगा रेगुलर सिंगुलर होगा इ सिंगुलर uh, होगा या ऑर्डनरी पॉइंट होगा तो ये बेसिकली रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है यानी कि ऑप्शन नंबर बी के करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज नंबर टू है एफ ऑफ एक्स y y y prime y double prime double equal जीरो के इज द मोस्ट जर्नल फॉर्म ऑफ ये किसकी मोस्ट जर्नर फॉर्म है ये मोस्ट जर्नरल फॉर्म ऑफ डैश ऑर्डर ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये किस ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की है जर्नल फॉर्म है तो ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की है जर्नल फॉर्म है यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यू समय थ्री है आइगन फंक्शन ऑफ द रेगुलर एसएल सिस्टम आपके पास रेगुलर एसएल सिस्टम है उसकी जो आइगन आइगन uh, वैल्यू है आपके पास रेगुलर एसएल सिस्टम की वाई डबल प्राइम प्लस लेमडा वाई इक्व टू जीरो एंड वाई ऑफ जीरो इक्व टू जीरो एंड वाई ऑफ वन इक्व टू जीरो फोर एन इक्वल किसके वन टू थ्री अप टू सो इन वाई ऑफ एन वाई एन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसमें आपने क्या करना है ये आपके पास रेगुलर सिंगुलर सिस्टम की एक इक्वेशन है ठीक है इस इक्वेशन में आपने वाई एन एफ एक्स फाइंड करना है छोकि आपके पास क्या आएगा वाई एन एफ एक्स आपके पास आएगा यहाँ पर बी एन साइन एन पाई एक्स यानी कि ऑप्शन में क्या है करेक्ट ऑप्शन है एम सी क्यू समय थ्री ऑप्शन में है करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यू समा फोर है एम सी क्यू जमा फोर में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी इक्वल है थ्री के इज डैश डिफरेंशियल इक्वेशन ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये नॉन uh, लीनियर है होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है या पोटेंशियल है तो ये आपके पास यहाँ पर ये आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि ऑप्शन नंबर सी के करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास एम में फाइव है वाई इक्वल है ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स के इस सोल्यूशन ऑफ ये किस का सोलूशन है यहाँ पर हमें ऑप्शन में कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस की मैंने हमने बताना है कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वो आपके पास वाई डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल टू जीरो का सोलूशन है यानी कि ऑप्शन नंबर बी के करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यू सिक्स है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ इक्वेन आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेन है इस डिफरेंशियल इक्वेन के आपने ऑर्डर भी बताना है और डिग्री भी बतानी है तो आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेन का ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है आपके पास थ्री एंड टेन है यानी कि ऑप्शन नंबर सी के ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे ने पास एम सी क्यूज नंबर सेवन है द इक्वेन वाईक्वल एक्स है एमएक्स प्लस सी रिप्रेजेंट डैश पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन ये किस टाइप की पैरामीट्रिक फैमिली मतलब स्ट्रेट लाइन की किस टाइप की स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है जीरो टू वन टू या थ्री की तो ये टू टाइप की मतलब टू को रिप्रेजेंट करती है यानी के ऑप्शन में सी के करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यों एट है डिफ्रेंशियल ऑफ द रेशन वाई इक्वल किसके ए कॉज टू एक्स प्लस बी साइन टू एक्स इस आपके पास ये जो आ, रिलेशन है ये आ, किस डिफरेंशियल इक्वेशन का है तो ये रिलेशन बेसिकली वाई डबल प्राइम प्लस फोर वाई कुछ जीरो डिफरेंशियल इक्वेशन का यानी कि ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन है, है नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू क्यूस हमारा नाइन है आ, सेट ऑफ फंक्शन ई रेट व एक्स टू ई रेशा एक्स ई रेशा माइनस एक्स इस ये आपके पास किस टाइप के सेट का आ, मतलब फंक्शन ये जो सेट है ये किन फंक्शन के सेट है लीनियर कम्बिनेशन हैं लीनियर ऑपरेटर हैं लीनियर डिपेंडेंट है या लीनियरली इनडिपेंडेंट है तो ये बेसिकली आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है यानी कि ऑप्शन सी के करेक्ट ऑप्शन है, है नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यू हमारा टेन है इफ़ डी इक्वल है डी वाई डी एक्स के दैन वन ओवर डी और क्यू इक्वल किसके होगा इंटेग्रल क्यू डी एक्स के क्योंकि आपको पता है वन अवर डी बेसिकली डी क्या होता है डेरिवेटिव होता है तो वन अवर डी क्या होगा इंटेग्रल होगा क्योंकि डेरिवेटिव और इंटेग्रल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यू न इलेवन है गेमा ऑफ वन बाई टू होल्स के इक्वल किसकी होगा गेमा ऑफ वन बाई टू गेमा ऑफ वन बाई टू क्या होता है इसके रूट ऑफ पाई होता है और इसका होल स्केल लेंगे तो इसके इसके रूट कैंसिल हो जाएगा तो पाई इसका आंसर आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी के करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज नंबर ट्वेल्व है डी वाई डी एक्स एक्स रेज फॉर एन जी एन ऑफ एक्स किसकेक्ल होगा तो ये बेसिकली रिकरेंस रिलेशन है हमारे पास बैसल के तो ये इक्वल होता है एक्स रेज फॉर एन के जी एन माइनस वन ऑफ एक्स के इनके ऑप्शन नंबर सी के करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास एनसिक्यूज नंबर थर्टीन है द वैल्यू ऑफ़ इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनेटी ई जैसे माइनस एक्स की है डी एक्स इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी तो इसकी वैल्यू आपके पास आती है स्केयर रूट ऑफ़ बाय टू के आई थिंक ठीक है इसको आप एक बार कंफर्म कर दीजिएगा uh, या आपके पास स्केयर रूट ऑफ बाय टू आती है या स्केयर रूट ऑफ पाई ओवर टू आती है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास एम सी समय फोर्टीन है इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन इंडिया जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रिश्वा एन ई रिश्वा माइनस एक्स डी एक्स इक्वल किसी होगा अगर एन आपके पास पॉजिटिव इंडिचर है तो देन ये सारी के सारी जो टर्म्स हैं इक्वल होगी गेम ऑफ एन के यानी का ऑप्शन नंबर डी के करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज फिफ्टीन है डबल प्राइम प्लस लैम्डा वाई इक्वल है जीरो के वाई ऑफ माइनस पाई इक्वल है वाई ऑफ पाई के और वाई प्राइम ऑफ माइनस पाई इक्वल है वाई प्राइम ऑफ पाई के इस डैश एस एल सिस्टम ये कौन सा एस एल सिस्टम है रेगुलर सिंगुलर पीरोडिक या ऑर्थोगोनल तो ये आपके पास एम सी क्यूज नंबर फिफ्टीन ऑप्शन नंबर सी के करेक्ट ऑप्शन है, है यानी कि ये पीरियोडिक एस सिस्टम है नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज सिक्सटीन है अ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर एल इज टू बी डैश ऑपरेटर ऑन द इंटरवल आपके पास ये जो ऑपरेटर है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर एल इसको हम डैश ऑपरेटर बोलेंगे तो ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी इफ इंटरग्रल ए टू बी यू एल एफ बी माइनस बी एल एफ यू पास क्या होगा स्मेट्रिक होगा लीनियर होगा डिफरेंशियल होगा या इंटीग्रल होगा तो ये आपके पास क्या होगा लीनियर होगा यानी कि ऑप्शन बी क्या करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यू तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे ये कौन सी रेगुलर है सिंगुलर ah. है बोथ ए एन बी तो ये आपके पास बेसिकली आ, सिंगुलर इक्वेशन यानी कि ऑप्शन वन सी के करेक्ट ऑप्शन है एम सी क्यूज सेवेंटीन ऑप्शन वन सी के करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास एम सी तो एटीन है द इक्वेशन वन माइनस एक्स के वाई डबल प्राइम माइनस टू एक्स वाई प्राइम प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू वाई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन इज डैश इक्वेशन ये आपके पास कौन इक्वेशन है एस एल एलडर है आल ऑफ दीज है तो ये आपके पास ऑफ दीज है यानी कि ऑप्शन नंबर डी के करेक्ट ऑप्शन है, है. नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज नंबर नाइनटीन है एक्स इक्ल्स टू जीरो एंड एक्स इक्ल्स टू वन आर डैश पॉइंट ऑफ द इवेन इस इक्वन के जो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्ल्स टू वन कौन से पॉइंट्स हैं रेगुलर हैं ऑर्डनरी है सिंगुलर है या अनालिक है तो ये आपके पास बेसिकली सिंगुलर पॉइंट है यानी कि ऑप्शन नंबर सी के करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी है फाइंड द वैल्यू ऑफ गैम ऑफ फाइव पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इनमें से आई थिंक कोई भी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं बनता ठीक है तो ये था आपके पास आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने जी सी एप्लीकेटेड कॉलेज के पेपर्स डिस्कस किए हैं जो कि हमारे पास मैथमेटिकल मैथड के पेपर दो हज़ार बाईस का अभी रिसेंटली हुआ है ये पेपर हमने डिस्कस किया बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इस टाइप के पेपर्स के एम सी क्यूज़ अपलोड किए जाएँ तो हमने आपके लिए अपलोड किए हैं आई होप स्टूडेंट्स का आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फ़ीडबैक मत किया करें उसके अलावा आप सारे के सारे क्लासमेट्स को शेयर करें स्पेशली एम एस सी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हालात शेयर करें क्योंकि उनके एग्जाम्स हैं तो उनके को बहुत ज़्यादा जरूरत है और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़